बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नारे भुट्टो, साथियों, आज हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 16th यौमे शहादत मना रहे हैं और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले गरी खुदा बख्श में जमा हो के पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को एक ही पैगाम भेजते हैं कि जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी। 16 साल पहले कुछ कुव्वतें ने सोचा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर लेंगे, गरीब का आवाज कुटवा देंगे, वो किसान का, मजदूर का, तालबे इल्मों का, नौजवानों का आवाज दबा देंगे। मगर 16 साल बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि आप हमारे कायदीन को शहीद तो कर सकते हैं, मगर आप कितने भुट्टो मारोगे? हर घर से भुट्टो निकलेगा और हर साल यहां गरी खुदा बख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले उन तमाम कुव्वतों को ललकारते हैं कि हम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं, हम आज भी गरी खुदा बख्श के साथ हैं, हम आज भी अपना शोदा से वफा करते हैं। और इसकी वजह से मैं आप सब पे फख्र भी करता हूं और जानता हूं कि आज भी अगर इस मुल्क में कोई सियासी जमात है जो इस मुल्क को बचा सकता है, जो इस वफाक को बचा सकता है, जो इस मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकता है, तो वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। साथियों, हमने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत के बाद काफी कामयाबियां हासिल किए हैं। जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 30 साल जिदोजहद थी के कायदे आवाम की 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल करना है, हमने वो 18वीं तरमीम के सूरत में करके दिखाया। जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की ख्वाब थी, कायदे आवाम का ख्वाब था कि मैंने अपने सुबह को ताकतवर बनाना है, उनको अपना वसाइल का मालकी दिलवाना है, हमने वो NFC अवार्ड करके वो काम भी करके दिखा दिया। शहीद कायदे आवाम ने हमें रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था तो सदर सरदारी ने इन
इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू करके उस ख्वाब को इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक हकीकत में तब्दील कर दिया। हमने कहा था कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, तो हमने उस बहोरा गदार आमिर को निकाल के जमहूरियत बहाल किया और अपना इंतकाम जमहूरियत की सूरत में ली। ये तो सब कुछ हमारा कामयाबिया है, मगर आज जहां पाकिस्तान खड़ा है, जिस मुश्किल में पाकिस्तान खड़ा है, जिस दुख जिस तकलीफ में मेरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिस दुख में है, अब वक्त आ गया है कि हम एक बार फिर इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाएं। वफाक में सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत बनाए ताकि हम अवामी राज कायम करें, हम ऐसे राज कायम करें जो गरीबों के हो, जो आम आदमी का हो, जो किसान का मजदूर का मेरे तालबे इल्मों का राज हो। इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक अवामी राज पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकता है। इस वक्त महंगाई गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है और आपको मालूम है कि चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गुर्बत हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, इन तमाम मसाइल का हल कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दिया हुआ मंशूर में मौजूद है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नजरिया में मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख ये है। हम तीन नस्लों से इसी बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबले करते आ रहे हैं। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला कोई सियासी जमात से नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं है, पीपल्स पार्टी का मुकाबला इस महंगाई से है, इस गुर्बत से है, इस बेरोजगारी से है। और इंशाल्लाह ताला अगर इस मुल्क के अवाम और अल्लाह ताला हमें वो मौका देते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला करके हमारे अवाम की तकलीफ में हमारे अवाम के मसाइल को कम करेंगे।